अब तो हमरी बारी रे ना। सबको जोहार। मैंने झारखंड की धरती को कभी धोखा नहीं दी, झारखंड की जनता के सवालों के कभी समझौता नहीं की। कोयल नदी, कारो नदी और छाता नदी का बहता पानी इसका साक्षी है। इस धरती के मिट्टी बालू में उंगलियों से लिखना सीखी। कारो नदी के तट में बकरी चराते, नदी के पानी में डुबकी लगाकर नहाते तैरना सीखी। आकाश के ओस के बूंदों से नहाए, घास फूस और पेड़ पौधों की छाया ने मुझे प्यार दिया। इनका कैसे सौदा कर सकती हूँ। जिस समाज ने मुझे जीना सिखलाया, उस समाज के दुख दर्द का साथी अपने को कैसे नहीं बनाती। इनके हक हुकूक जज्बातों की रक्षा करना भी हमारी ही सभी की जिम्मेवारी है, और जिम्मेवारी निभाने वालों के लिए शायद यही रास्ता है। उनके हिस्से सिर्फ संकट और परेशानी ही लिखा हुआ है, जिंदगी का यही सच्चाई है। मैंने तो सरकार को बताने की कोशिश की थी कि आपका सिस्टम अपने नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेवारी नहीं निर्वाहन कर रहा है, रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीणों का पलायन रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसके लिए जॉब कार्ड अनगढ़ा के ग्रामीणों ने मांगी, रैली की, उन पर केस हुआ। उन पर थोपे गए केसों की वापसी की मांग ग्रामीणों ने की, उसमें मेरे साथ कई साथी उपस्थित थे। सर्वविदित है मनरेगा योजना के घोटाला के बारे में, सच्चाई यही है कि ग्रामीणों को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हक मांगने वाले अपराधी करार दिए गए हैं। मैं जेल पहुंच गई। नगड़ी में सरकार गलत तरीके से नियम कानून को ताक में रखकर 227 एकड़ कृषि भूमि को कब्जा कर रही है। सरकार को बताने की कोशिश किए कि आप गलत कर रहे हैं, कानूनी और मानक के आधार पर खेती की जमीन छोड़ दीजिए और बंजर भूमि पर लॉ कॉलेज और IIM बनाइए। आपका स्वागत है। हमारी गुनाह इतना ही है। इसी अपराध में हमारे 4 साथी पहले ही जेल काट चुके हैं, कईयों का हाथ टूटा और आज मैं जेल में हूँ। आज राज्य के लुटेरे सरकार और न्यायपालिका की नजर में देश के शुभ चिंतक हैं। राज्य के संसाधनों को लूटने वाले, मानवाधिकारों का दमन करने वालों को सरकार और न्यायपालिका संरक्षण दे रही है, और इस धरती के भूमि पुत्र पुत्री शुभ चिंतकों को अपराधी करार दिया जा रहा है। सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा सहित तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को भी यही ताज पहनाया गया था। क्या सच है क्या गलत है मैं नहीं समझ पा रही हूँ, लेकिन यही जिंदगी की हकीकत है कि मैं आज पत्थर हो गई हूँ। पूरी दुनिया सो रही है, रात का 1 बजा है अभी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के महिला वार्ड के बंदी भी सो रहे हैं, मैं अकेली बैठी हूँ। जिंदगी में किसी के दुख से अपने को अलग नहीं की। दिन हो रात, हमेशा लोगों के आंसू पोंछने के लिए रात के अंधकार भी मेरा रास्ता कभी नहीं रोक पाई, लेकिन न्यायपालिका ने आज मेरे पैरों पर बेड़िया पहना दी। हर आंख का आंसू पोंछने वाले हाथ को माननीय न्यायपालिका ने शिकंजों से जकड़ दिया। मेरे घर में मेरी भाभी का लाश पड़ा हुआ है, मेरा परिवार गम में डूबा हुआ है, और मैं जेल में निसहाय मुखबधिर बनकर रह गई हूँ। आंख में आंसू है लेकिन बह नहीं पा रहा है। आज 6 नवंबर को कोर्ट जाना है। मुझे समझ में आ गया है कि कोई नया केस मेरे ऊपर चढ़ेगा, जिसके लिए मुझे कस्टडी में लिया जाएगा या रिमांड में या प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाएगा। मैं आज भाभी के अंतिम संस्कार माटी में शामिल होने के लिए कोर्ट को आवेदन दी हूँ। मुझे नहीं पता अनुमति मिलेगा या नहीं, मेरा भरोसा अब भरोसा से भी उठ रहा है। हाँ, फैसलदा बासफी जी, नेल्सन, अलोका, प्रवीण, सुशांतो, मीडिया के साथी सहित सभी साथियों जो नज़दीक में हैं और दूर में हैं, सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ, जिन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया, मेरे आँख के आंसू पोंछे हैं। जेल में बंद कई लोग दुआएं दे रहे हैं कि तुमको यहाँ नहीं बाहर रहकर काम करना है।
मैं कोशिश करूंगी अपने को उसी तरह खड़ा रखने की जिस तरह नदी नाला पहाड़ जंगल गांव गांव में खड़ा होकर नारा बुलंद किए। हम अपने पूर्वजों का एक इंच जमीन नहीं देंगे। आशा है आज का अभी का ये क्षण हो, जिंदगी का अंतिम पड़ाव नहीं। जब तक कोयल कारो और छाता नदी की धाराएं बहती रहेंगी, जिंदगी का जंग जारी रहेगा। आप लोगों की बहन दयामणि बारला।